पहला इंटरव्यू बाबा हम सब के लिए एकदम ना यार नर्वसनेस से भरा रहता है। अपन को लगता है कि कैसा इंटरव्यूअर मिलेगा, क्या क्वेश्चंस पूछेगा, हम आंसर तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं यार कि हम पहले इंटरव्यू में एकदम करके हकलाने लग जाए और कोई आंसर नहीं दे पाए और रिजेक्ट हो जाए हम पहले इंटरव्यू में। तो इस वीडियो में यार मैं आपको अपना पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊँगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा मेरे 5 बिगेस्ट रिग्रेट। तो जो मेरा पहला रिग्रेट था वो था यार ओवर थिंकिंग। अब मेरे को आपको एक्सप्लेन करने दो। तो देखो बात ऐसी थी कि यार जब अपन इंटर्नशिप के लिए बैठे थे तो कंपनीज आना चालू हुई थी, ठीक है। तो उसमें से एक कंपनी में मेरा शॉर्टलिस्ट आया स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर यार अब स्प्रिंकलर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग हमारे यहाँ पे स्टाइपेंड था, 2 लाख पर मंथ स्टाइपेंड दे रही थी वो। तो मेरे दिमाग में था कि चलो इसकी शॉर्टलिस्ट हो गई, अब हमारा इंटरव्यू राउंड होने वाला है। तब उसके बीच में जो गैप मिलता है ना, उसमें यार क्या होता है ना कि अपन ख्याली पुलाव एकदम बनाना चालू कर देते, हम महल बनाने लग जाते दिमाग में कि यार बस इसमें सिलेक्ट हो जाए एक बार, फिर तो ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी, घर वाले इतने खुश हो जाएंगे, प्लेसमेंट इन सब का भी थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा जो कॉलेज में आए, और फिर मैं इसके बाद ये करूँगा, ये खरीदूँगा, वैसा करूँगा। अपन पूरे दिमाग में एक महल बना लेते कि बस सिलेक्ट होने की देर है, उसके बाद तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अब ये यार एक सबसे बहुत ही गलत चीज़ होती जो मैंने करी, मैंने पर्सनली करी और आप भी शायद करेंगे, क्योंकि हमारी आदत होती है ओवर थिंकिंग करने की, है ना। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है अपने इंटरव्यू में। जब मैं आपको अभी आगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रहा हूँगा साथ साथ, तो उसमें ना यार काफ़ी प्रेशर बिल्ड हो जाता है इस एक गलती के चक्कर में कि आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो। इसको अवॉइड कैसे करते हैं कि आप अवेयर रहो कि कब आप ज़्यादा सोचने लग गए हो दिमाग में, आपको समझ में आ जाएगा कि अरे बहुत आगे का सोच रहा हूँ मैं ना, तो आप वहीं अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लो कि नहीं बेटा बस बहुत हो गया, ज़्यादा सोच रहा हूँ अब, ठीक है। फिर अब चलते हैं हमारे जो दूसरा रिग्रेट था। तो दूसरा रिग्रेट ये था यार बाबा कि मैंने प्रिडिक्ट करने लग गया था इंटरव्यू को। अब हुआ क्या था कि इंटरव्यू चालू हुआ, ठीक है, अब बहुत सारे मतलब 30 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा था, तो एक एक करके सबके इंटरव्यू राउंड होने लग गए थे। तो अब मेरा क्या सीन था ना कि मेरा इंटरव्यू राउंड बाद में आ रहा था, पता नहीं मेरे इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था, और बाकी में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू कॉल आ गया था। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने सोचा यार इनका कॉल आ गया, तो मैं जैसे ही इनका इंटरव्यू खत्म हो रहा था तो मैं इनको मैसेज कर रहा था कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बता मेरे को भी बता दे। तो सब मतलब बेसिकली बता रहे थे कि हमारे तो रेज्यूमे से पहले ऐसे गो थ्रू करवा लिया कि प्रोजेक्ट क्या करे, और फिर कोर सब्जेक्ट जैसे DBMS ऊप्स के क्वेश्चन पूछे, और फिर एक बेसिक ईजी लेवल का कोडिंग क्वेश्चन पूछ रहे, और इंटरव्यू हो जा रहा था, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अब क्या हुआ ना कि मैंने मेरे दिमाग में सेट कर लिया कि देखो पहला राउंड तो इतना बड़ी बात नहीं है, इसमें रेज्यूमे के ऊपर पूछी जाएगी और एक आधी ईजी क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं तैयार, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इंटरव्यू को प्रिडिक्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि जब अपना इंटरव्यू चालू हुआ, मेरा नंबर आया, ठीक है, अब इंटरव्यू जैसे ही चालू हुआ और मैं इंटरव्यूअर के सामने बैठा, तो इंटरव्यूअर ने मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, और वो सीधा कोडिंग का पूछा उठा के, ठीक है। उन्होंने कोई आपका रिज्यूमे खोल के नहीं देखा, कोई आपके ऊप्स DBMS वाले सब्जेक्ट नहीं करे, सीधा एकदम कोडिंग का क्वेश्चन पूछा, और कोडिंग का जो क्वेश्चन पूछा था वो भी सीधा मतलब ना मीडियम लेवल वाला क्वेश्चन था उसमें, मतलब आपका इजी बेसिक वाला लेवल नहीं था, मीडियम क्वेश्चन था, और मैंने उससे रिलेवेंट मतलब रिलेटेड वाला क्वेश्चन देख रखा था। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आया, मेरा जो कॉन्फिडेंस उतरा, मेरा ऐसा हो गया यार कि यार सबसे तो रिज्यूमे के ऊपर पूछ रहे थे, मेरे दिमाग ये सब चालू कर दिया अंदर सोचना कि रिज्यूमे का पूछ रहे थे, मेरे से क्या यार ये वाले क्वेश्चन पूछने लग गए, यार मेरे से तो मतलब मेरा इंटरव्यू यार शायद डिफिकल्ट इंटरव्यू लेगा ये वो करके, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस नीचे आने लग गया। अब इसमें ना वो जो मैंने आपको बताया था पहला रिग्रेट, वो बहुत ओवरपावर कर जाता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सोच लिया कि हम तो सिलेक्टेड है, तो ये और आपको अंडर प्रेशर में ले आते हैं कि यार बहुत अब तो सब कुछ बिगड़ गया, सारा काम खल्लास हो गया ये वो। तो वो वाला ना जैसे ही पहला क्वेश्चन ही आया तो अपने दिमाग में वो एकदम अंडर कॉन्फिडेंस गिरने लग गया मेरा, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ cryo.do के थ्रू। तो ये cryo.do क्या है, तो ये एक यार प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोग यार प्रोजेक्ट करके नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो। क्रायो इज अ वर्ल्ड्स लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसके हेल्प से आप लोग क्रैक कर सकते हो फुल स्टैक एंड बैक एंड डेवलपमेंट जॉब्स इन योर ड्रीम कंपनीज, जिनका CTC रेंज करता है 6 to 40 LPA। With 3000 plus learners and 500 plus grads placed in global MNCs, unicorn and hypergrowth startups like Amazon, Grow, Cred, Paytm. यहाँ के जो ग्रेड्स हैं उनको यार एवरेज सैलरी हाइक मिनिमम 89% मिलता है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम क्रायो। यहाँ पे जो आप डेवलपमेंट सीखोगे वो एग्जैक्टली सेम तरीके से सीखोगे जैसे आप कोई रियल जॉब में कर रहे होगे, और जैसे आपने इनका कोई भी एक लर्निंग प्रोग्राम चूज करा फुल स्टैक और बैक एंड डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे आपको यार रियल प्रोफेशनल फुल स्टैक बैक एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
बनाने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को मास्टर कर पाओगे एंड साथ ही साथ आपको गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगा इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम आपको यार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और न्यू डेवलपमेंट स्किल्स मिल जाएगी अपने रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए, और साथ ही साथ जो आपका गिटहब प्रोफाइल होगा वो भी एकदम मस्त हो जाएगा। तो जो रिक्रूटर को इंप्रेस करने के लिए चाहिए रहता है वो आपके पास सब कुछ रहेगा। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप लोग 10% की स्कॉलरशिप ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको फ्री रिसोर्सेज है वो भी अवेल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। अब जब मैंने यार कोड करा, ठीक है, तो अब मेरी क्या आदत थी ना, जो तीसरी अपनी जो रिग्रेट है वो क्या है, हमारी सिली मिस्टेक। अब सिली मिस्टेक से आपको लग रहा है ये क्या कोई रिग्रेट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्या मीन कर रहा हूँ इसे। तो क्या होता है ना कि जब भी अपन इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, तो अपना जो इंटरव्यूअर होता है ना वो क्या करते हैं, बेसिकली डॉक में खोल देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि डॉक लिंक खोल देंगे, आपको बोलेंगे कि नोट पैड अपना खोलो और उसमें उस कोड को आपको कोड करना है, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी उसको कोड करना है। अब अपनी क्या आदत होती है ना कि जब भी आप किसी, मान लो कोई भी प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कर रहे हो, लीड कोड, गीक फॉर यू, कोई भी प्लेटफॉर्म पर, तो हम क्या करते हैं सट 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 कोड लिखते हैं और फिर जो भी होता है सीधा रन करते हैं। फिर क्या दिखता है अपन को कि अच्छा वो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, अच्छा यहाँ पे तो हमने वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं करा, ये वाली अपन को दिक्कतें समझ में आती है। अब क्या हुआ ना कि जब मेरे को नोटपैड पे वही क्वेश्चन को बोला कि यार भाई अब कोड करना है, तो मैं कोड वोड कर लिया, लॉजिक पूरा सोच के, लॉजिक बता के मैंने कोड करा। अब कोड करने के बाद उनने मेरे से बोला कि क्वेश्चन मतलब सही है कोड, तो मैंने बोला हाँ सर सही है, बट लॉजिक भी ऐसा है, लॉजिक मैंने मैच करके देख लिया और मैंने बोला सही है। अब इसमें मैंने पता क्या गलत करा था, मैंने एक सेमी कोलन कहीं नहीं लगाया था, कहीं वेरिएबल डिक्लेयर करने ही भूल गया था। अब ये क्यों था, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में दिक्कत थी। और जब इंटरव्यू एक बार बोल रहे थे क्रॉस चेक करने का, तो आपको क्या करना है, लॉजिक तो आपने सोच के रखा है, वो लॉजिक के हिसाब से प्रोग्राम बना होगा, आप ना सिंटैक्स चेक करना और ये देखना कि वेरिएबल भी हाँ आपने डिक्लेयर करा है कि नहीं। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन हुआ वो मैंने पूरा आंसर दे दिया, और फिर अब मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो बेसिकली ना बाइनरी सर्च से रिलेटेड था, लेकिन वो क्वेश्चन वैसे टाइप के क्वेश्चन ना मैंने देखा ही नहीं था। तो मेरे को उस समय जैसे ही वो क्वेश्चन आया, अब पहले क्वेश्चन से थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस हो गया, और जैसे दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि बिल्कुल ही नहीं देखा हुआ था, तो मैं और अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि वैसे ही नर्वस था और अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। और फिर मैं क्या ना बस सोचने लग गया, और जैसे उन्हें दिया तो मैं सोचने लग गया कि क्या इसका कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अब यहीं पे अपनी हुई फोर्थ जो दिक्कत थी, वो क्या थी यार, कि हम बिल्कुल साइलेंट रहे, तो साइलेंट इज किलर। अब क्या था ना, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया मेरे को, तो मैं एकदम सोच में पड़ गया और 8-10 मिनट मैंने बिता दिए, बस मैं सोच रहा अप्रोच, मैं सोच रहा डीपी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ठीक है, मैंने कुछ उनको आंसर नहीं दे रहा और इतना साइलेंट था। फिर जाके मैंने एक अप्रोच, मतलब एक बताया कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आई हैव टू लाइक वी विल बी यूजिंग डीपी और ऐसा ऐसा करेंगे हम लोग, तो सर ने बोला नहीं डीपी से नहीं होगा क्योंकि आपका ये एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस पॉइंट पे फिर मेरे को लगा यार कि मैंने 9 मिनट बिता दिए और डीपी का मैं सोच रहा था और डीपी भी नहीं लगी, टाइम भी निकल गया इंटरव्यू का जो इतना प्रेशियस टाइम होता है, और फिर अब मैं फिर भाई दूसरे अप्रोच पे जा रहा हूँ और कर रहा था, और सर ने मेरे को बोला कि डिस्कस करो। तो वहाँ पे जो दिक्कत आई ना कि जब भी आपको इंटरव्यू कोई क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसा नहीं है कि बस खुद सोच में पड़ जाना और कुछ मतलब बातें नहीं करनी, रिलेट नहीं करना कि भाई हम क्या सोचते हैं, क्या अप्रोच है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसका एक मोटिव होता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है वो जानना चाहते हैं हम। तो जब भी ऐसा होता है ना तो क्वेश्चन, तो उसमें अपन को पहले रुकना पड़ता है, मतलब ऐसे पॉज लो थोड़ा, ऐसे नहीं कि जाते से एकदम से आंसर देने लग गए, हम पहले देते हैं पॉज 20-60 सेकंड का कि हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत अप्रोच बने, और फिर आपको जो भी अप्रोच आ रही है वो डिस्कस करनी है। आपको ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहो और सोचो कि पूरी अप्रोच बना लूंगा उसके बाद ही सीधा बताऊंगा, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच होती है। इससे इंटरव्यूअर को ऐसा हो जाता है कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं लगता, 9 मिनट तक सन्नाटे में बैठा हुआ है फिर ने कुछ दूसरी अप्रोच बता दी तो वो और काम की नहीं होती। तो इसीलिए आप ऐसा मत करना, डिस्कस करना है। और यही चीज यार मैंने फिर जब बाद में सीनियर से बताया कि मैंने ऐसा करा था, तो उन्होंने मेरे को टिप दी थी कि अगली बार आपको कोडिंग क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, जो कि यार मैंने इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस करा है, वो आप जाके जरूर से देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कोई भी कोडिंग राउंड में कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे फिर वो वाला क्वेश्चन का मेरे को लॉजिक बन नहीं पाया, तो हमारा वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। अब यहां पर मैं एक आपको प्रो टिप देना चाहता हूं कि यार जरूरी नहीं होता है कि आपको इंटरव्यू राउंड में सारे क्वेश्चन क्या आंसर देने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या लगता था ना उसमें और उस टाइम की मेरे को क्या लगा कि यार अब तो मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर नहीं दे पाया, इसका मतलब मेरा इंटरव्यू तो गया पानी में, अब तो सिलेक्ट होने से रहा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप यार जंग से पहले ही हार रहे हो, मतलब आपका पूरा इंटरव्यू खत्म नहीं हो उससे पहले आपने सोच लिया कि आपका इंटरव्यू तो अब खत्म ही हो गया एक तरीके से। अब ऐसी यार फिर उन्होंने जो थर्ड क्वेश्चन पूछा वो भी कोडिंग का ही पूछा उन्होंने मेरे से, और बोला कि 3 स्टैक आपको इंप्लीमेंट करने हैं एक ही एरे में। अब ये वाला क्वेश्चन यार मैंने देखा हुआ था, तो इसका जो मैंने बेसिक वाली अप्रोच होती ब्रूट फोर्स अप्रोच वो तो उनको अच्छी तरीके से समझा दिया, फिर उन्होंने बोला अब एफिशिएंट अप्रोच समझाओ, तो मैं इतना नर्वस हो गया था ना स्टार्टिंग से, और मैं हार चुका था अपने आप से
कि मैं वो एफिशिएंट ना रिकलेक्ट ही नहीं कर पाया अपने आप से, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस कर रखी थी लेकिन मैं रिकलेक्ट ही नहीं कर पाया वो अप्रोच को, और वो वाला क्वेश्चन भी मैं नहीं बता पाया। अब उसके बाद भी जो मेरे को फिफ्थ बिगेस्ट रिग्रेट है वो ये था यार कि मैंने कॉमन क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस नहीं करी थी। अब कॉमन क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, तो यार जब भी हम इंटरव्यू देते ना तो इंटरव्यूअर ना कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है यार इंटरव्यू राउंड में। पहला क्या होता है कि यार टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जैसे अपना इंटरव्यू चालू होता है तो वो आप प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि आप उधर ही जाके बोलो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैं क्या सोच के बताऊं कि मेरे बारे में आज। आप वो सेट ऑफ मतलब पहले से प्रिपेयर करते हो, तो वो वाला क्वेश्चन तो मैंने प्रिपेयर करा था, लेकिन जो दूसरा जो हम मिस कर देते वो मैंने नहीं करा था प्रिपेयर। तो क्या होता है ना, जब इंटरव्यू एंड होता है तो उसमें वो लोग क्या पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, ये वाला क्वेश्चन तो अपन ने प्रिपेयर करा ही नहीं था बिल्कुल, और ये वाला भी हमें प्रिपेयर करके जाना था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि नो नो सर थैंक यू थैंक यू, और मेरा तो ऐसा हो गया था कि भाई बस बस बाहर निकलो, तो मैंने कहा नो नो सर थैंक यू। अब ये भी एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किसी इंटरव्यू में, क्योंकि यदि आपके पास एक मौका है तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि उसको लगे कि यार अपन को इंटरेस्ट है, मतलब इंटरव्यू को लगना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट है। तो अब उसका कैसे आंसर देना है वो मैंने यार बाद में सीखा, बाद में रिसर्च करके देखा पढ़ा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यदि वो आपको जानना है तो आप लोग यार कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो नेक्स्ट ले आऊंगा। तो आई होप कि आप लोग ये गलतियों को अवॉइड कर पाएंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग यार लाइक करना, और आप यदि ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो बाबा। इसी के साथ आज के लिए अलविदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।